दर्शक बंधु, आज आम माने एमती जन भक्त विषय जानवा जहाँपाई प्रभु विष्णु को स्वयं तक हाथ भोग खाइबापी मंदिर छाड़ आसवाक पड़ा। जहाँ भक्ति आज प्रभु जगन्नाथ को हाथ रंधा खेचुड़ी प्रतिदिन भोग लग जाए, तेज किए से भक्त चलत जाणी आज भिडियो। यही कथा राजस्थान नागर जिलार कलबा गाँवर जोठी जीवन राम को घरे जड़े असाधारण कन्यार जन्म होता जहाँ नाम थिला कर्माबाई। जीवन राम और तांको पत्नी भगवान कृष्णा बहुत बड़ भक्त थे। छोट बलु ही समाने तांको पुत्री को मध्य कृष्णा भक्ति रे लीन करदे। थरे जीवन राम आउ तांको पत्नी पुष्कर रे स्नान पाई बाहरिले, तेबे तांको घरे थिबा प्रभु को विग्रहर सेवार दायित्व से माने तांकर पुत्री कर्माबाई को देले। जीवा पूर्वरु से माने तांकर पुत्री को डाकी कहिले, पुत्री आमे कार्तिक स्नान पाई पुष्कर जाउछु, तेबे आम घरे थिबा भगवान को सेवा करिबा दायित्व एबे तुमरो। तुमे प्रतिदिन भगवान को पूजा करी भोग लगैबो और ता परे जाई तुम्हें प्रसाद सेवन करिबो। एहा पर दिन कर्माबाई निज हाथ रे भगवान को भी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाइले। से घी देले, गुड़ देले और गर्मा गरम खिचुड़ी नहीं भगवान को आगरे रखिदेले। से भाविले प्रतिदिन भली भगवान आसीबे और खिचुड़ी खाइके चली जिबे, किंतु किछि समय गला से आसी देखंती तो खिचुड़ी जेमिति सेमिति अछि। पुणी किछि समय पर आसी देखंती तो खिचुड़ीर एक दाना मध्य हली नाही। एमिति अपेक्षा करी करी संध्या होइगला, किंतु तांको विश्वास थिला जे भगवान प्रतिदिन तांको माताको ठारु खिचुड़ी स्वीकार करंती। तेबे आज कौन हैला जे भगवान तांकर खिचुड़ी स्वीकार करूनाहांती। से कांदी कांदी भगवान को कहिले जे प्रभु आपण तो प्रतिदिन मो माँकर भोग स्वीकार करंती, तेबे मो ठारु एमिति कौन भूल होइगला जे मोर भोग स्वीकार करूनाहांती। कर्माबाई को कथा सुनी प्रभु को हृदय तरली गला। से कर्माबाई को कहिले, आरे कर्मा तुम्हें मत भोग स्वीकार करने को कहुच, किंतु तुम्हें तो परदा पकईना। यह शुणी कर्माबाई कहिले, हे प्रभु एतिकी मात्र कथा मत पूर्व ही कहीदे थांते, एतिकी पाई आपण पूरा दिन भुकिला अच्छा आ मु भी तो भुकिला अच्छी। हौ मु परदा पकाई दौची, आपण जल्दी भोग खाइनियंतु। यह कही कर्माबाई भगवान को परदा पकईदेले। भगवान किछि समय रे ही पूरा खिचुड़ी सफा करदेले। एमती सबुदिन चलला। किछि दिन परे कर्माबाई को माता पिता तीर्थ यात्रार फेरिले। माँ रोसे घरे जाए देखती तो घी आ गुड़र माठिया पूरा खाली हो जाए। माँ पचारे कर्मा एत गुड़ आ घी कुआडे गला। कर्माबाई कहिले, माँ मु प्रथम दिन भगवान को खिचुड़ी देली, सी तो केते डेरी रे आसी खाइले, तेणु काले बेसी घी आ गुड़ देले खिचुड़ी भल लगे, से मु बेसी बेसी गुड़ आ घी रे खिचुड़ी कली। आ जानिछ माँ प्रभु सबुदिन मोर खिचुड़ी पूरा खाई दिंती, तेणु सब सरीगला। माँ तो कर्माबाई कथा को विश्वास कले ना। कर्मा कहिले, ठीक अच्छे तबे मु पुणी काली भगवान को खिचुड़ी लगाइबी, देखिबो भगवान सबु खिचुड़ी खाइदेबे। ता पर दिन कर्माबाई निज हाथ रे खिचुड़ी करी सेथिरे घी आ गुड़ पकाइले आ गर्मा गरम खिचुड़ी ने प्रभु को आगरे रखिदेले आ परदा पकाइदेले। किछि समय पर देखंती तो खिचुड़ी रो जागा पूरा खाली हो जाइछि। इहा देखि तांका माता पिता को आखिरे लुह आसीगला। से माने भाविले, आमे केते भाग्यशाली जे आम पुत्री हाथरु स्वयं भगवान भोग स्वीकार करुछंती। एमिती किछि दिन बीतीगला। कर्माबाई को छुआ बेलु ही विवाह हो जाइथिला, किंतु तांको पति मृत्यु जल्दी होइगला। एहा परे कर्माबाई तांकर पूरा जीवन प्रभु भक्ति रे ही समर्पित कर देइथिले। जीवनर अंतरे से पूरी चली आसिले आउ सेठारे मध्य से प्रतिदिन सकाळु भगवान खिचुड़ी करती आउ प्रभु जगन्नाथ सकाळु तांको खिचुड़ी खाई चली जाती। जगन्नाथ कर्माबाई को निजर माता मानुथिले। दिने दिने भोगरे विलंब हेले जगन्नाथ तांको कुहंती, हे माता जल्दी कर मते बहु जोरे भूक लागिलानी,
जल्दी जल्दी खिचुड़ी दियो। दिने कर्मा बाई घर को जड़े साधु बाबा आसिले। से आसी देखिले कर्मा बाई सखाळ बिना गधोई भगवान को भोग लगाउछंती। से कर्मा बाई को कहिले तुम्हें सखाळ गाधोई रोसे घर सफा करी ता परे जाए भगवान को भोग देव, एमिति केबे मध्ये करिव नाही। कर्मा बाई तो साधा सीधा भगवान को भक्त अटंती, तेणु से साधु कथा मानि ता परदिन सब नियम पूर्वक कले। भगवान तांको समय आसी देखती तो माता गाधोउछंती, से फेरीगले। पुणी किछि समय पर आसी देखती तो माता तो रोसे घर सफा करुछंती। भगवान मन दुख करे पुणी चलीगले। एही प्रकार बहुत डेरी रे जाई माता प्रभु को खिचुड़ी भोग कले। खिचुड़ी खाऊ खाऊ सेपटे मंदिर रे पूजारी मध्य भोग पई घंटी बजाई देले, तेणु प्रभु जल्दी जल्दी बिना मुह हाथ धोई मंदिर रे पहुँची गले। मंदिर रे पहुँचिला परे पूजारी देखिले जे तांकर मुह आउ हाथ रे खिचुड़ी लागिछि। से भगवान को पचारिले हे प्रभु ए आपण को मुहरे खिचुड़ी केमिति आसिला। प्रभु जगन्नाथ तांको सब कथा जणाइले जे एठारे मोर जणे माँ अछंती, से मते प्रतिदिन खिचुड़ी बनाई के दियंती और से खिचुड़ी एते स्वादिष्ट जे मु न खाई रही पारे नाही, तेणु मु प्रतिदिन सखाळ खिचुड़ी खाइबा पई तांको पाखकु जाए। किंतु जणा नाही केही जणे साधु आसी माँ को एपट सेपट नियम कहीदेले और मोर भोली भाली माँ तांको कथा मानि आज नियम मानि सब कले। आउ मते खिचुड़ी मिलिबारे विलंब हला, तुम्हें जाओ और से साधु को कह मोर और माँ भीतर नियम को न आणतु। जगन्नाथ कथा शुणी पूजारी आश्चर्य होगले। से ही साधु बाबा को जाए सब कथा कहले। कर्मा बाई भक्ति को देखी साधु बाबा आश्चर्य होगले आउ कर्मा बाई पाख को जाए तांको क्षमा मागिले आउ कहले जे हे माता आपण तो प्रभुंर प्रिय अटंती, तेणु आपण जेमिति प्रतिदिन भोग करुथिले सेमिति भोग लगांतु। एमिति ही प्रतिदिन कर्मा बाई प्रभु भोग लगांती आ प्रभु तांको खाइबा को जानती। एमिति किछि समय चलीगला। दिने कर्मा बाई तांकर भौतिक शरीर त्याग करदेले। से ही दिन प्रभु जगन्नाथ बहुत कांदिले और भोग मध्य स्वीकार करिले नाही। एही कथा राजांक पाखरे पहुँचिला। राजा तुरंत प्रभुंक पाखरे आसी पहुँचिले आ प्रभु को पचारिले हे प्रभु एते कष्ट कौन पाई। प्रभु कहिले मोर माँ मते छाड़ी चली गले, एबे मो पाई किए खिचुड़ी बनाइब, मु तांको बिना कौन करी। यह शुणी राजांक आखिरे लुह आसीगला। से ही दिन ठारू राजा आदेश देले जे प्रतिदिन प्रभुंक पाई सकाळ खिचुड़ी भोग कराजिबो आउ एहा कुहाजिबो जे एहा कर्मा बाईंक खिचुड़ी। सेबे ठारू प्रतिदिन भगवान को कर्मा बाईंक खिचुड़ी लगा जाए। तेबे सतरे भक्त और भगवान को प्रेम केते नियारा, जेउठी भगवान मध्य भक्त को झुरी के कांदुछंती। तेबे दर्शक बंधु आपण मानंकु आजिरो एही कहानीटी केमिति लागिला तळे मते कमेंट करी निश्चित जणांतु। और जदि भिडियोटी भल लगी थाए तबे भिडियोटी को अधिक रो अधिक लाइक और शेयर करंतु। और जदि मो चैनल ले नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।